नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। शासक पुरुषार्थी और सत्यवादी हो, आज का हमारा यह विषय है। राजनीतिक समस्याएं और उनका वैदिक समाधान शीर्षक से लगातार हम आपके लिए लेख लेकर आ रहे हैं। उसमें आज का हमारा विषय शासक पुरुषार्थी और सत्यवादी हो। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं विषय की ओर चलते हैं। पुरोहित वास्तव में प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हुए राजा को उसके पद की अथवा गोपनीयता की मानव शपथ दिलाते हुए राजा के गुणों का गान करते हुए कहता है कि जिस प्रकार गोपद ब्राह्मण के उत्तर 6-3 तथा जैसे कि शतपद ब्राह्मण के 6-2-2-5 में स्पष्ट किया गया है, वैसे ही राजा का सुख स्वरूप अर्थात सब सुखों का देने हारा होने वाला होना चाहिए। यजुर्वेद का मंत्र भी इस प्रकार ही कहता है, उपदेश करते हुए कह रहा है कि कौसी तमसोसी कस्मे त्वा कायम त्वा सुश्लोकम सुमंगलम सत्यराजनम। यजुर्वेद 20:4। राजा प्रजा को पुत्र के समान माने, अर्थात जो है राजा, पुरोहित राजा का राजतिलक करते हुए कहता है कि राजन, तू प्रजा का सच्चा हितोषी होने के कारण सुख स्वरूप है, सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। तू प्रजा के सुखों को बढ़ाता जा तो प्रजा अत्यंत प्रसन्न होकर तुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देती है। तू केवल सुखकारी ही नहीं है अपितु अत्यंत सुखकारी ही। अत्यंत सुख किस प्रकार मिलते हैं? अत्यंत सुखी किसी भी प्रजा को उस समय मिलते हैं जब राजा प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते हुए उसकी देखरेख करे। राजा न केवल देश के अंदर के संसाधनों का प्रयोग करते हुए जन जन के सुखों की, जन जन के खाद्य पदार्थों की, जन जन के धन धान्य की व्यवस्था करे, बल्कि वह प्रजा की विदेशी शत्रुओं से भी रक्षा करेगा तो प्रजा अत्यंत खुशहाल, धन धान्य संपन्न, खुशी वाली होगी। जिस राजा की प्रजा अत्यंत सुख का अनुभव करती है वह राजा दीर्घजीवी होता है। वह राजा लंबे समय तक राज्य का सुख लाभ भोगते हुए निरंतर राज्य की उन्नति को कर ले जाता है और प्रजा के मानों को जीत कर सब प्रकार की उन्नति का कारण बनता है। राजा प्रभु का प्रतिनिधि और सुख स्वरूप हो, परमपिता परमात्मा को सुख स्वरूप कहा गया है, अर्थात परमपिता परमात्मा सब प्रकार के सुखों की वर्षा करने वाले हैं। हे राजन, तुझे प्रजा ने अपना प्रतिनिधि चुना है, इस प्रकार तू परमपिता परमात्मा का भी प्रतिनिधि स्वरूप बनकर परमपिता परमात्मा के गुणों को धारण कर अपने में। वह परमात्मा जिस प्रकार प्राणी मात्र के लिए सुख स्वरूप है, उस प्रकार तू भी सब प्रजा के लिए सुख स्वरूप बन, प्रजा के सुखों को बढ़ाने वाला बन। तेरा सुख स्वरूप बनना ही तेरे लिए यश और कीर्ति बढ़ाने वाला होगा। इस प्रकार तू अपनी प्रजा के सुखों को बढ़ाने वाला बनता है तो तेरी प्रजा तेरे विरुद्ध कभी खड़ी नहीं होगी, कभी तेरे से विद्रोह नहीं करती, सब और शांति शांति स्थापित हो जाती है। इस प्रकार के राज्य में राजा के सामने कोई संकट नहीं आता, कोई भी दुख कलेश नहीं आता। इस प्रकार जो धन कष्टों को, रोगों को दूर करने के लिए नष्ट करता है वह धन बच जाता है और जो बचा हुआ धन राज्य के विकास के लिए काम में आता है, सुख के संसाधनों को बढ़ाने के काम आता है। इससे राज्य तीव्र गति से उन्नति करने लगता है। राज्य की यह उन्नति प्रजा को अत्यधिक सुख देने वाली कारण बनती है। इससे ही राजा चिरंजीवी होता है। अतः पुरोहित उपदेश कर रहा है कि हे राजन, उस सुख स्वरूप परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए प्रजा ने तुझे चुना है और इस कारण ही प्रजा के हितों की रक्षा के लिए आज मैं तेरा राज्याभिषेक कर रहा हूँ। इस सत्ता को पाकर तू सदा जनहित का ध्यान रखकर ही प्रत्येक कार्य करना, अर्थात जो है जनता के हित का ध्यान रखकर जो है प्रत्येक कार्य करना। कौन कौन सी बातें राजा के लिए बताई है? अर्थात कहते हैं ना कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उसका जो मूल अर्थ है उसको समझने की जरूरत है। इस मंत्र में उसका मूल अर्थ बताया गया है कि जिस प्रकार परमपिता परमात्मा अपने राजा का कार्य करता है और सभी प्राणियों के लिए राजा का कार्य करके उनके लिए सुखों की व्यवस्था करता है, धन धान्य की व्यवस्था करता है, न्याय की व्यवस्था करता है, उनको पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए दंड का विधान करता है, ठीक उसी प्रकार तू भी अपनी प्रजा के जो है पिता के समान, अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान मान और उनका पालन कर, ईश्वर के गुणों को धारण कर अपने अंदर। यहाँ तात्पर्य इस बात का यह नहीं है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है तो राजा अपने आप को ईश्वर समझ ले। बात यह है कि जिस प्रकार जनता जो है उन्होंने तुझे चुना है, तुझ पर भरोसा जताया है, उसी प्रकार तू ईश्वर का प्रतिनिधि है, तुझे भी ईश्वर ने बनाया है, चुना है, इसीलिए तू जो है ईश्वर के गुणों को धारण कर ले। इस प्रकार सभी मनुष्यों के लिए वेद
ईश्वर के गुणों को धारण करने की बात कहते हैं। अन्य मंत्रों में भी राजा के लिए विशेष तौर पे कहा गया है कि तुझे इतने लोगों का पालन करना होता है, इतने लोग तुझसे जुड़े होते हैं, उनका जीवन तुझसे जुड़ा होता है, तो तू ईश्वर के गुणों को धारण कर और इससे तेरी प्रजा तेरे विरुद्ध कभी नहीं जाएगी, तू उनके कल्याण की सुख की कामना कर और उनके लिए सुख के लिए काम कर। साथ ही साथ जो है राजा अपने प्रजा को अपने बच्चों के समान, पुत्रों के समान पाले, तभी तो सबसे अच्छा रिश्ता राजा और प्रजा का बनता है। और वास्तव में यह बात सत्य भी है कि हाँ, जो राजा होता है अगर वह अपनी प्रजा का भलाई चाहता है, कल्याण चाहता है, मंगल चाहता है, उनके हित के लिए कार्य करता है, तो प्रजा उसके साथ देती है। इसी प्रकार जो है राजा को ईश्वर के गुणों को धारण करना चाहिए और प्रजा के कल्याण की सोचना चाहिए हमेशा। जिस प्रकार परमपिता परमात्मा अपने प्रजा के लिए, अपने मनुष्य के लिए, जाति के लिए, प्राणी मात्र के लिए सोचता है, उनके लिए जो है व्यवस्थित नियमबद्ध रूप से संसार को संचालन करता है। इसी के साथ इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।